सर, दिसंबर 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर हार्दिक पांड्या ने एक अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि कौन अंबेडकर, हाँ वही किया जिसने दोगला कानून और संविधान बनाया, या फिर वो जिसने आरक्षण नाम की बीमारी देश में फैलाई। और इस कमेंट की जानकारी मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हुई, तब मैं पुलिस थाना लुणी में गया कि भाई इनके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज की जाए। ये एक बहुत ही बड़ा भारतीय क्रिकेट टीम का प्लेयर है और इसके बहुत ही घटिया और बद्दे कमेंट किए हैं। तो थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित थे तत्कालीन, उन्होंने रिपोर्ट मना करने से इनकार कर दिया, मतलब दर्ज करने से। तब मैं पुलिस कमिश्नर महोदय जोधपुर महानगर के समक्ष भी एक प्रार्थना पत्र पेश किया और फिर SC ST कोर्ट में इस्तगासा से पेश किया, जिस पर माननीय न्यायालय ने 1.5-2 माह बाद परिवाद पेंडिंग रखने के 20 मार्च को 156(3) में पुलिस थाना लोनी में भिजवा दिया। अगर सपोर्ट्स मान भी लिया जाए कि भाई जो हार्दिक पांड्या की ट्विटर अकाउंट है वो फेक ID पे फर्जी है, तो जिसने भी ये हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये अनुसंधान के दौरान ये ज्ञात हो सकता है कि जो साइबर क्राइम विशेषज्ञ है कि क्या है वास्तविकता। क्या नाम है? DR मेघवाल, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर। हार्दिक पांड्या के खिलाफ SC ST की धारा में मुकदमा दर्ज करने के लिए आया है, क्या मामला है? जी, लूनी थाने के जो संबंधित न्यायालय हैं वहाँ से इस्तगासा प्राप्त हुआ है जिसमें प्रकरण दर्ज किया गया है और इसमें नियमानुसार अनुसंधान किया जाएगा। सर, इसमें हार्दिक पांड्या ने बयान दिया कि ये मेरा फेक ID है, इस कंडीशन में क्या होगा? मैंने ना तो ये इनके ID देखी, ट्विटर का ये ट्वीट देखा है और ना मैंने उनका बयान सुना है, तो मैं इस पर तो टिप्पणी नहीं कर सकता। पर यह अनुसंधान का विषय है और जो भी संबंधित अधिकृत अधिकारी हैं वो इसमें अनुसंधान करेंगे और जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। जाना अधिकारी खिलाफ